संयम नारंगी रंगा वो जो जो भी होगा मेरा नेपाली भी है और
ऐसे ही मिलता है ना, जैन भी है, बोले कि आज काली मारा घरे आ रहा हूँ सर, मतलब विदाई होने के बाद यहाँ पे रहना, कल सुबह दीक्षा में मेरे घर से रहना, ठीक है। उसको वो आवाज बहुत अच्छी लगी। सेकेंड पत्थर लिया,
वापिस फेंका, तड़ा, ऐसी आवाज आए। ऐसे कर करके उसने तीनों ढगलों के सारे पत्थर फेंक लिए। बट लास्ट पत्थर जब उसने लिया, तब सूर्योदय हुआ, उसने उस पत्थर को देखा और बोला, ओ शिट, ये तो डायमंड था। मैंने सारे इतने प्रेशियस स्टोन तड़ाक के सुख में खो दिए। बस मैं भी ऐसी ही थी। मैंने अपने सारे सुख, सारा 20-20 ईयर्स मैंने वो तड़ाक रूपी संसार के सुख में खो लिया। फिर बोलते ना, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे जो मोहनखेड़ा में है, ये क्या कोइंसिडेंस है, आज से 5 साल पहले ही May 11th to 20th में गुरु माँ ने मोहनखेड़ा में शिविर निर्माण की थी, उसमें मेरा जाना हुआ। और बस जब मैंने गुरु माँ को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो एक गाना याद आता है, पहली नजर में कैसा जादू हो गया। बस फिर मैं भी आप जैसी ही थी, मैं भी मुंबई नगर की ही थी। मैं भी क्लबिंग जाना, पार्टीज करना, मेरा तो फिक्स था। दिन में 4 वड़ा पाव तो मिनिमम, मैकडॉनल्ड्स की मैक आलू टिक्की, डोमिनोज का पिज्जा, मरीन ड्राइव में घूमना और तो क्या। बस मैंने भी मेरे लाइफ के 16 इयर्स, यू वोंट बिलीव, 16 इयर्स मैंने भी मेरे लाइफ के ऐसे ही वेस्ट किए हैं। इतना फील होता है कि मतलब चौमासे के दिन पदुषण तक फुल पाना, बट नेक्स्ट डे 5 बजे को मैकडॉनल्ड्स में जाना, ये मेरी परिस्थिति थी। बस जैसे शिविर में गई, श्रद्धा वर्सेस तर्क के क्लास ने मेरे सारे तर्कों को मिटा दिया। और पता नहीं भगवान पे एक ऐसी श्रद्धा आ गई कि उस श्रद्धा के कारण मैंने वहां पे ही कंदमूल का त्याग ले लिया। फिर सेकेंड क्लास, आर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, जब गुरु माँ ने हमको समझाया कि आपको आपकी जीवन रूपी पेंसिल किसको देनी है, तब से मैंने निश्चित कर लिया, भले दीक्षा लूं के नहीं लूं, बस जीवन की पेंसिल, लाइफ ऑफ द पेंसिल ऑफ माय लाइफ, मैं मेरी गुरु माँ को ही दूंगी। फिर भाव आलोचना में मैंने मेरे सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। फिर बस समवर सरणे विरति मले के फंक्शन में मैंने भाव से ही दीक्षा ले ली थी। और कितना ऐसे अंदर से प्राउड फील हो रहा है मुझे कि तब 5 साल पहले मैंने वो भाव दीक्षा ली थी, कल द्रव्य से भी और भाव से भी मेरी दीक्षा होने वाली है। आज के यंगस्टर्स यो-यो वाले, मैं भी उनमें से ही थी। आई वोंट जज एनीवन। सर आजकल कैसी परिस्थिति हो गई पता, हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब छोड़ के रियलिटी में आते ही नहीं है। आजकल सब पे भूत सवार हो गया। मैंने भी शिविर पूरा किया था, थोड़े से भाव थे, फिर मैं भी एक यंगस्टर्स ही थी, मैं भी मुंबई की लाइफ ही जी रही थी। मेरा जैन कॉलेज में एडमिशन हो गया, यू नो मुंबई के ऐसे सबसे टॉप 3 कॉलेजेस में जैन कॉलेज का नाम है। मुझे मिल गया एडमिशन और मैंने साइंस लिया था और आई वॉज डूइंग आर्किटेक्चर। तो संस्कार तो सारे चले गए शिविर के, बस वही आधुनिक दुनिया में मौज शौक। ऐसे आज सबको यंगस्टर्स को, किसी को यहाँ पे जितने जन भी बैठे हैं, सबको एक ही चीज बनना है। मोदी भी बोलता है आत्मनिर्भर भारत, सबको इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को भी डिपेंडेंट नहीं बनना है। एक सीए है, वो खुद का पैसा कमा ले, वो इंडिपेंडेंट हो गया। एक बच्चा है छोटा सा, वो खुद की एग्जाम खुद से लिख ले, वो खुद को इंडिपेंडेंट समझता है। एक शादी का है, घर पे पूरा रसोई बना दे, पूरा काम कर ले, वो खुद को क्या समझेगी, इंडिपेंडेंट, राइट। बट क्या वो सच्ची इंडिपेंडेंट है? मैं भी ऐसी थी, मुझे भी यही ड्रीम्स थे कि आई गो USA, मैं आर्किटेक्ट करूंगी, मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगी, मेरी खुद की गाड़ी होगी, रोम्स करूंगी, फ्रेंड्स के साथ घूमूंगी। फिर जब मेरा सैजी से परिचय हुआ, तब आज मुझे रियलाइज होता है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। आप यहाँ पे सब जन किसी ना किसी चीज पे तो डिपेंडेंट ही हो। फॉर एग्जाम्पल,
कोई भी एक शावक है, सीए है, उसको ऑफिस जाना हो तो उसकी गाड़ी की चाबी खो जाए तो क्या वो जा पाएगा? क्या वो जा पाएगा? कोई भी श्राविका है, उसको घर पे खाना बनाना हो, चाकू ही नहीं मिले तो वो बना पाएगी? क्या वो बना पाएगी? कोई छोटा सा बच्चा है, उसको एग्जाम लिखना हो, पेन टूट जाए, पेंसिल टूट जाए तो वो क्या एग्जाम लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप इंडिपेंडेंट हुए कि डिपेंडेंट? ये मैंने ये लाइफ में कंपेयर किया। साधु जीवन कैसा? मलशे तो संयम वृद्धि, गोचरी मलशे तो संयम वृद्धि, न माने तो तपनी वृद्धि, अनुकूलता मलशे तो साधना वृद्धि, प्रतिकूलता मलशे तो संता निवृद्धि। जब कंपेयर करने में आया तो वास्तविकता में ऐसे लगा कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं डिपेंडेंट, सब अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, विहार कर रहा है, खुद के पैर पे चलो, गाड़ी मोटरों की जरूरत नहीं, खाना खाना है घर घर गोचरी फिरो, निर्दोष गोचरी लो और खुद का पेट भर लो। तो वो साधु जीवन कितना महान है। आपको एक बात बोलूं, एक पापा था, एक पिताजी थे और एक उसके बेटे जी थे, तो वो दोनों जा रहे थे, एक इंसान आया, उसके आजू बाजू 5 लोग थे, तो पापा ने बोला बेटा इनको वंदन कर, नमन कर। तो बेटे ने पूछा क्यों पापा? तो उसने पिताजी ने बोला कि बेटा ये राजा है, 5 सैनिक इसके गुलाम है, इसके लिए ये वंदनीय है, इसके लिए ये वंदन करने योग्य है। ठीक है, उसने वंदन कर दिया। नेक्स्ट एक वैसी सेम सिचुएशन घटी, एक आदमी आया, उसके आजू बाजू 5 सैनिकों उसके पास थे, तो बेटे ने उसको भी वंदन कर लिया। फिर पापा ने उसको चिल्लाया कि बेटा तूने क्या कर लिया? तो पापा आपने क्यों बोला था कि ऐसे दिखे तो मुझे वंदन करना चाहिए? तो बेटे ने बोला नहीं बेटा, ये जो है ना 5 इंद्रियों का गुलाम है, ये चोर है, तो वंदनीय राजा है चोर ने, वैसे ही आप संसारी यहाँ पे 5 इंद्रियों के गुलाम हो, और जिस पद पे मैं जा रही हूँ श्री महावीर स्वामी का पद, वो 5 इंद्रियों के गुलाम से मुक्त है, इसके लिए वो वंदन करने योग्य है। शासन भगवान ने वैशाख 11 को चतुर्विध संघ की स्थापना की थी, साधु साध्वी जी श्रावक और श्राविका के रूप में। बट साधु और साध्वी जी तो सबके ऐसे अभिलाषा होनी ही चाहिए कि मैं भी साधु और साध्वी जी बनूं। ठीक है, नहीं आते भाव कोई नहीं, पर श्रावक और श्राविका तो बन सकूं, ऐसा किसी के मन में होता है? बीच में अंतरिक्ष में एक सीन हुआ था जब एक श्रावक के सिर से पूरा खून फट रहा था, देखा था सबने, तो उसकी आंखों में आंसू थे क्या? एक खुमारी थी, एक 90s में मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और शोले कपूर की, तो शोले कपूर ने उसको बोला मेरे पास घर है, बंगलो है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास माँ है, फिनिश। वैसे ही लोग आपको बोलेंगे मेरे पास 30 का फ्लैट है, मेरे पास मर्सिडीज कार है, आपके पास क्या है? तो कुछ ऐसा काम करो कि आप भी बोल पाओ मेरे पास शासन है, फिनिश। मैं भी आप जैसे ही थी, इंस्टाग्राम की रील्स को पकड़कर मैंने रियल लाइफ रियलिटी को देखना भूल गई। मैं स्नैपचैट की 100 स्ट्रिक्स मेंटेन करने में एक्सपर्ट थी, बट घर वालों के साथ रिलेशन मेंटेन करने में डाउन थी। मैंने भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस लगाए, कोई ब्रेकअप्स के तो कोई पैचअप्स के, बट रियलिटी में खुद को ही नहीं जाना। मैं पूरी इमेजिनरी वर्ल्ड में थी, रियलिटी को जाना ही नहीं। बस फिर लॉकडाउन में एक बोलते ना सिद्धि तक, जो सिद्धि को प्राप्त करे वैसा सिद्धि तक, मैंने पता नहीं मेरी कल्याण मित्र दर्शना बहन और सिमरन बहन वो लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कर ही लेती हूँ। बस सिर्फ करने
क्लबिंग जाना और यू नो ऐसे लोग सोचते हैं यहाँ पे कि क्लबिंग एक एडिक्शन बन गया है, क्लबिंग एक एडिक्शन बन गया है। मेरे लिए भी वही था, मैं भी जाती थी पार्टीज में, नाइट आउट करना, घूमना फिरना, थिएटर एंड ऑल सब कुछ। आपको पता है मैंने 6 months कंटिन्यूसली एवरी सैटरडे मैंने नाइट आउट किया है, उसमें हुक्का के पफ्स, शीशा सब सब कुछ आता था। तो मैंने तो सिद्धि तब किया तब एक साध्वी जी मास्टर मुझे मिले, उन्होंने मुझे इतना समझाया, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये कर कि वो कर, पर इतना कुछ समझा लिया कि तू बस एक समर्पण रख और तेरी गुरु मैया के पास रहने चली जा बस। आज उनके उपकार इतने हैं कि मैं आपको कह भी नहीं सकती। आज वो थे, उनका सत्व था, उनकी प्रेरणा थी, इसलिए लॉकडाउन में मैं साहिब के पास रहने भी गई, वरना मैं तो भूल गई थी कि मैं कोई शिविर में गई हूँ, कोई सौगन भी मैंने ली है। बस मैं तो मेरे आर्किटेक्ट के फील्ड में मस्त थी और बिल्डिंग को बनाने के सपने देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्डिंगों के सपने छोड़, खुद की आत्मा का इंटीरियर कर, खुद की आत्मा को बिल्ड कर और खुद के कैरेक्टर को बना। बस फिर वही गुरु माँ के पास जाना हुआ। आपको पता है मैं से सबसे ज़्यादा लकी फील क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु माँ मिले। गुरु माँ के बारे में जितना बोले उतना कम है। गुरु माँ मात्र एक ऐसे है जिनकी जिनका पुण्य इतना है ना पूछो ही मत। मैं गुरु माँ के पास गई, गुरु माँ ने मुझे पूछा तू रात को खाती है, मैंने बोला हाँ। गुरु माँ ने पूछा तू अभक्ष खाती है, मैंने बोला हाँ। गुरु माँ ने बोला तू पूजा करती है, मैंने बोला ना ना ना। गुरु माँ ने सिर्फ इतना ही बोला तू तो इतनी सीधी है, तुझे तो ये सब करना ही चाहिए, तुझे सब चीज फॉलो करनी ही चाहिए। बस गुरु माँ के वचन इतने पुण्यशाली निकले कि मेरे से अपने आप ही सब कुछ हो गया। आज उपकार गुरु माँ का ही है जो मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। बस फिर गुरु माँ के पास फिर जाना हुआ, रहना हुआ। फिर पता है एक सबकी प्रॉब्लम, हर 1 2 3 जितने भी बैठे हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम है, साहब के पास जाए लोग जज कर लेते हैं, 10 दिन भी रहने जाए तो लोग आ तो दीक्षा ले बासी हो को फिर अभी हो पाए। ये डायलॉग्स मैंने भी बहुत सुने हैं, सबने ऐसा ही बोला, बट मम्मी का इतना सपोर्ट था कि कभी मुझे कोई भी चीज करने रोका नहीं। पापा थोड़ा चिल्लाते थे बट कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बात नहीं सुनाया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, जब मुझे भाव आ गए थे बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। जब हम गए गिरनार जी नेमिनाथ दादा के चरणों में, पता है मुझे नेमिनाथ दादा से कनेक्शन भी कैसे हुआ, बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं तो नेमिनाथ तो गिरनार ही रहती है, वो कनेक्शन कैसे हुआ बोलूं। लॉकडाउन में हमारे मुंबई में नीम जी का परिवार है, वो भक्ति बहुत अरेंज करते नेमिनाथ दादा की। मैं सिर्फ ऐसे फ्लक्चुएटली मैं वो भक्ति में गई, पता नहीं फर्स्ट टाइम गई रोने लगी, क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता, बस नेमिनाथ दादा नेमिनाथ दादा नेमिनाथ दादा की धुन लग गई। और बस 1 साल के बाद ठीक मैं गुरु माँ के साथ ही गिरनार जी गई एज अ मुमुक्षु। तब लॉकडाउन था तो किसी को पूजा प्रदक्षिणा ये सब अलाउ नहीं थी, तो मैंने तो दादा को बोल दिया कि मुझे अभी लेनी तो दीक्षा ही है, मुझे नेम की राजू ही बनना है, बस अभी आप मुझे कोई संकेत दे ही दो। तो लॉकडाउन में जो प्रदक्षिणा पूजा कुछ भी अलाउ नहीं थे, तब मैंने बोला दादा अगर मुझे आपकी प्रदक्षिणा मिल जाए, ये 3 प्रदक्षिणा में इतनी ताकत है कि मेरे भवो भव की प्रदक्षिणा रोक देगी, बस दादा आपको कैसे भी 3 प्रदक्षिणा तो दिलवानी ही है। मैंने पेड़ी में जाके पूछा, उन्होंने बोला नहीं बहन नहीं होगा। मैं गई दादा के पास, बोला दादा ये क्या, मैं इतना छोड़ छाड़ के आपके पास आई हूँ,
आप सिर्फ मुझे 3 प्रदक्षिणा नहीं दे सकते, मैं मेरे घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूँ, बट आप मुझे श्रद्धा का एक जोत भी नहीं दे सकते। वापिस गई, ऑफिस में गई, हितेश भाई को बोला, आंखों में आंसू थे, भैया मेरे लाइफ का सवाल है, क्या आप मुझे प्रदक्षिणा देने दे सकते हो? उन्होंने बोला ठीक है दे दो। बस वो प्रदक्षिणा ने मेरे भवों भाव की प्रदक्षिणा को स्टॉप कर दिया। आप सब मतलब आजकल जितने भी सरनेम हो, सबसे बेस्ट सरनेम, सबसे रॉयल सरनेम कौन सा है? कौन है? क्यों? बट है राइट। जेन किधर भी जाए ना, भले रेस्टोरेंट हो, पब्स हो, किधर भी जाए, अरे जेन आ गया, भले ही खुद का कोई स्टैंडर्ड हो के नहीं हो, जेन सरनेम मिल गया तो बस आप छा गए, आपको किधर भी एंट्री पहले मिल जाएगी। तो आपने कुछ किया है जो आपको सरनेम मिला है? आपने कुछ ऐसा पुण्य, ऐसा कुछ काम किया है जिससे आप इसके इतने लायक हो, रॉयलिटी के लायक हो? ऐसा कुछ किया है किसी ने यहाँ पे? किया नहीं, राइट। तो ये किसके वजह से है? महावीर स्वामी के पुण्य के वजह से ही है। उन्होंने ही जिन शासन की स्थापना की है, हमको जैन सरनेम मिला है, इसके लिए आज हम हर जगह प्रायोरिटीज में आते हैं। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि नहीं हो चलेगा, बट बस जो जैन सरनेम मिला है ना, उसकी रिस्पेक्ट रखना, उसकी रिस्पेक्ट रखना। यंगस्टर्स में एक क्लबिंग जाना, वाइब करना, एक वाइब आती है राइट। माथारी क्लब चले गए, बॉम्बे कार्टेल चले गए, एक वाइब आती है। और मरीन ड्राइव पे वो क्या होता है, संडे स्ट्रीट्स, उसमें हर गर्ल्स को वाइब आती है। बट मैं कहती हूँ, एक बार जो भी भाईंदर में शासन संध्या हुई थी, वहाँ पे जाओ, वो एक अलग वाइब होगी। जिन शासन पे ये गर्ल्स पे नाचो, वो एक अलग वाइब होगी। लोग आजकल सीए बनने में बिजी है, बिजनेसमैन बनने में बिजी है, बट क्या आपको कौन जानेंगे? इंस्टाग्राम में आपके 1000 फॉलोअर्स है, बट रियालिटी में कितने? स्नैपचैट में इतनी स्ट्रिक्स मेंटेन करते हो, रियलिटी में रिलेशंस कितने हैं? अरे करना है तो ऐसा कुछ करो कि लोग आपके फैन बन जाए। हितेश भाई को सब जानते हो यहाँ पे? कौन है वो? कौन है? राइट, हितेश भाई गिरनारी। वो भी अपने जैसे ही है, वो भी अपने जैसे ही है। उन्होंने बस गिरनार को बच के अपने एक वाइफ बदल दी। कुमार पाल भाई निशा, उनको भी आप जानते ही होंगे, वो भी अपने में से ही है। उन्होंने जिन शासन का नाम रोशन करके अपनी वाइफ बदल दी। और यहाँ पे धनजी अंकल भी है जो अपने साथ रहकर उन्होंने जीवन बदल दिया। सीरियसली आज जितना धनजी अंकल निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा कोई इतना निस्वार्थ हो सकता है। ठीक है, मुझे भाव आ गए, देव गुरु की अनंत अनंत कृपा से मेरी दीक्षा भी हो रही है, बट जो जिसमें मुझे राग है, कल मैं उसका एक्सेप्टेंस कर लूंगी। बट जो मेरे माता पिता हैं, जिनको मेरे पर राग है, जिन्होंने अपने राग को त्याग किया है, उनको त्याग को वंदन है, उनके त्याग को वंदन है। देना टफ है, इतनी सारी है तो कौन नहीं दे दे। बट मैं आपको पूछना चाहूंगी, हाथ में 5 उंगलियां है, एक उंगली भी काम नहीं करे तो अब आपका हाथ काम करेगा प्रॉपरली? आपका हाथ प्रॉपरली काम करेगा? वैसे हर माता पिता के लिए कितनी भी संतान हो, बट एक का भी त्याग करना उनके लिए उतना ही मुश्किल है। मुझे सब बोलते हैं के तू तो अपनी 9 की है, मम्मी पापा छोड़े ही तू, तने याद नहीं आवे ला के का करीला। तो सबके लिए मेरे पास एक आंसर है। एक स्कूल थी, एक अंकल ने सब बच्चों को बलून्स दे दिए, ठीक है। तो हवा का एक तेज झोंका आया, सारे बच्चों के हाथ से बलून्स उड़ गए। ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, सब रोने लग गए। सिर्फ एक ही लड़की उनमें खुश थी, तो
दिया वरुण, उन्होंने शॉक हो गए। उन्होंने उस बेटी को पूछा कि बेटा सारे बच्चे रो रहे, तू क्यों हंस रही है, तेरा भी तो बलून उड़ा है ना। तो उसने बोला, अंकल ये बलून पहले मेरे हाथ में था तो मेरा था, अभी ये हवा में उड़ गया है तो पूरे साल पूरे आसमान का हो गया है। वैसे आज तक कल सुबह 6 बजे तक मैं मेरे माता पिता की ही हूँ, बट कल जब मेरी दीक्षा हो जाएगी मैं आप सभी फिट संघ की हो जाऊंगी। मुंबई में पहली बार हो रही है, आचार्य महाराज स्वयं तुझे दीक्षा देने आ रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि देव गुरु की अनंत अनंत कृपा से आज ये दीक्षा होना भी पॉसिबल है, क्योंकि जीरो से हीरो बनाना, इमैच्योर से मैच्योर बनाना, एक न्यू कैरेक्टर को बिल्ड करना, वो एक साधारण इंसान एक गुरु की ही कृपा है, एक गुरु की ही कृपा है। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, इतनी गर्मी में भी आप इतने सारे शांति बनाए रखे हैं और वहाँ पे लोग पीछे खड़े भी हैं, आप सबकी दिल से अनुमोदना। बस 4 महीने पहले मेरा मुहूर्त निकला था, 4 महीने तक तो मैं आप सबके लिए सेलिब्रिटी बन गई थी, जिसके घर भी जाए पधारो पधारो पधारो। बस सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए कवर्स के रूप में, बट ये तो सब मैं छोड़ के ही जा रही हूँ। बस मैं आज आप सबसे एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ, सब आँख बंद करें और सब आपके हाथ ऐसे दो रख दें मेरे को जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, सब जन जितने भी जन है सब जन, जैसे अपनी बच्ची को अपन कैसे आशीर्वाद देते वैसे सब, ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा संयम जीवन में नहीं चाहती इजी हो, मैं चाहती हूँ वो कठिन हो, कष्टों से भरा हुआ हो, प्रतिकूलता आए, बट उसमें भी आपके ये सब आशीर्वाद होंगे ना, वो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देंगे। बस सबसे रिक्वेस्ट है सब आपके हाथ ऊपर करो, सब जन आप सबसे प्रार्थना है आप हाथ ऐसे ऊपर रखो और आप सबसे प्रार्थना है कि बस कल महावीर स्वामी का मुझे पंचम पद मिलने वाला है। आजकल लोग सीए में 5th रैंक ला रहे हैं फुल इंडिया में, कितने प्राउड होता है, कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का टर्नओवर कर दे कितना खुश होता है, अरे वो तो छोड़ो, कल तो मुझे पूरे 14 राज लोग में पंचम पद मिलने वाला है। चौदह लोगों के समस्त जीव जो पद पर मैं जा रही हूँ उस पद को वंदन करेगी नमो लोए सब साहुनाम के रूप में उठते समय सोते समय। बस आप सबसे यही विनती, सब आपके हाथ ऊपर कर दो सब, और बस मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि श्री राजेंद्र जैसा सत्व, सूरी राजेंद्र जैसा सत्व, सूरी धनचंद्र जैसी सौम्यता, सूरी धनचंद्र जैसी सौम्यता, सूरी भूपेंद्र जैसी सरलता, सूरी भूपेंद्र जैसी सरलता, सूरी यतीन्द्र जैसी सिंह गर्जना, सूरी यतीन्द्र जैसी सिंह गर्जना, सूरी विद्याचंद जैसी विद्या, सूरी विद्याचंद्र जैसी विद्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री जानन जैसा, श्री जानन जैसा, श्री जानन की मैं नंद बनूं, मणि प्रभा की मणि बनूं और मोक्ष सुख की धनी बनूं, सपनों फर्शे अरे पाए सयमज मर्शे, सपनों फर्शे हवे काले रजो हरण मली चशे।
स्पीच में मैंने ये बोला होगा, दीन दानु जी क्षय करे तेज दीक्षा, बस कल जब मुझे रजोहरण मिलेगा ना, मेरी सारी दीनता क्षय हो जाएगी और मुझे वो महावीर स्वामी का धवल वेश मिलेगा। वो वेश में पता चार क्वालिटीज है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, चार क्वालिटीज। हम यहाँ पे हम सबको क्रोध आता है तो क्या ऊंची करते हैं स्लीव्स, वो वेश में कोई स्लीव है क्या? तो क्रोध आने का कोई चांस ही नहीं। सेकेंड मान, हमारी कोई तारीफ करते तो क्या? कॉलर ऊपर, वो वेश में कोई कॉलर है क्या? तो मान आने की कोई। थर्ड माया, यहाँ पे जितने लोग भी है सबने रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, बस ससु के सामने कुछ और, पति के सामने कुछ और उपाश्रय में कुछ और, बस मात्र वो ही वेश एक ऐसा धवल है जो माया नहीं करता, एक ही रंग में रहता है। अपने को लोभ करना हो, कुछ भी चीज छुपानी हो, क्या यूज करते हैं? पॉकेट्स। वो मात्र एक ऐसा ही वेश है जिसमें कोई पॉकेट ही नहीं है। क्रोध मान माया लोभ कोई वो वेश में ही नहीं है, तो सोचो वो वेश कैसा होगा, वो जीवन कैसा होगा। बस कल सुबह 6 बजे मेरा यहाँ पे रंग मंडप में प्रवेश है, बस ऐसे आशीर्वाद आप देना कि वो मेरा लास्ट प्रवेश हो, संसार रूपी भव जंगल में लास्ट प्रवेश हो। बस कल मैं सब, कल मुझे जब रजोहरण मिले ना, सब इतनी गर्मी भी होगी, आप प्लीज कोई बातें मत करना, आपको करना हो तो मात्र एक नमस्कार मंत्र का जाप करना बस। और जब मुझे रजोहरण मिले ना तो ऐसी प्रार्थना करना कि बस सम्यक्त्व की तो स्पर्शना हो ही जाए, बस अनंत भव कर लिए। कल स्वयं निमिनाथ दादा आ रहे हैं, निमिनाथ दादा निन्नार से कल आ रहे हैं, मेरी नाम में भी निमिनाथ दादा है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अपने साउथ मुंबई में इतनी दीक्षा हुई है पर किसी की नाम में आई गारंटी निमिनाथ दादा नहीं आया है। बस अभी दादा ने चूज कर ही लिया है, कल दादा स्वयं मुझे रजोहरण देने पधार रहे हैं आचार्य महासाहब के रूप में, और गुरु मैया मुझे भव सागर से तराने अपनी शिष्या के रूप में मुझे बनाने आ रहे हैं। आप सकल संग से विनती है कि आप कल पधारना और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना। इंस्टाग्राम की रील्स को पकड़कर मैंने रियल लाइफ रियलिटी को देखना भूल गई। मैं स्नैपचैट की 100 स्ट्रिक्स मेंटेन करने में एक्सपर्ट थी बट घर वालों के साथ रिलेशन मेंटेन करने में डाउट थी। मैंने भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस लगाए, कोई ब्रेकअप्स के तो कोई पैचअप्स के, बट रियलिटी में खुद को ही नहीं जाना। मैं पूरी इमेजिनरी वर्ल्ड में थी, रियलिटी को जाना ही नहीं। बस फिर लॉकडाउन में एक बोलते ना सिद्धि तक, जो सिद्धि को प्राप्त करे वैसा सिद्धि तक, मैंने पता नहीं मेरे कल्याण मित्र दर्शना बहन और सिमरन बहन वो लोग कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर ही लेती हूँ। बस सिर्फ करने के नाम से मैंने वो सिद्धि तक किया और बोले ना आज वो सिद्धि तक की ताकत से मैं आज इधर खड़ी हूँ। सिद्धि तक में इतनी ताकत है कि आज उसने मेरे यहाँ पे खड़ा कर दिया। सिद्धि तक में गुरुआ का तो कोई संपर्क ही नहीं था। शिविर के बाद 2 साल ऐसी मौज मस्ती, क्लबिंग जाना, और यू नो ऐसे लोग सोचते हैं यहाँ पे कि क्लबिंग एक एडिक्शन बन गया है, क्लबिंग एक एडिक्शन बन गया है। मेरे लिए भी वही था, मैं भी जाती थी पार्टीज में, नाइट आउट करना, घूमना फिरना, थिएटर एंड ऑल सब कुछ। आपको पता है मैंने 6 मंथ्स कंटिन्यूसली एवरी सैटरडे मैंने नाइट आउट की है, उसमें हुक्का के पफ्स शीशा सब सब कुछ आता था। तो
मैंने तो सिद्धि तब किया तब एक साध्वी जी मास्टर मुझे मिले, उन्होंने मुझे इतना समझाया, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये कर कि वो कर, पर इतना कुछ समझा लिया कि तू बस एक समर्पण रख और तेरी गुरु मैया के पास रहने चली जा बस। आज उनके उपकार इतने हैं कि मैं आपको कह भी नहीं सकती। आज वो थे, उनका सत्व था, उनकी प्रेरणा थी, इसलिए लॉकडाउन में मैं साहिब के पास रहने भी गई, वरना मैं तो भूल गई थी कि मैं कोई शिविर में गई हूँ, कोई सौगन भी मैंने ली है। बस मैं तो मेरे आर्किटेक्ट के फील्ड में मस्त थी और बिल्डिंग को बनाने के सपने देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्डिंगों के सपने छोड़, खुद की आत्मा का इंटीरियर कर, खुद की आत्मा को बिल्ड कर और खुद के कैरेक्टर को बना। बस फिर वही गुरु माँ के पास जाना हुआ। आपको पता है मैं से सबसे ज़्यादा लकी फील क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु माँ मिले। गुरु माँ के बारे में जितना बोले उतना कम है। गुरु माँ मात्र एक ऐसे है जिनकी जिनका पुण्य इतना है ना पूछो ही मत। मैं गुरु माँ के पास गई, गुरु माँ ने मुझे पूछा तू रात को खाती है, मैंने बोला हाँ। गुरुमा ने पूछा तू अभक्ष खाती है, मैंने बोला हाँ। गुरुमा ने बोला तू पूजा करती है, मैंने बोला ना ना ना। गुरुमा ने सिर्फ इतना ही बोला तू तो इतनी सीधी है, तुझे तो ये सब करना ही चाहिए, तुझे सब चीज फॉलो करनी ही चाहिए। बस गुरुमा के वचन इतने पुण्यशाली निकले कि मेरे से अपने आप ही सब कुछ हो गया। आज उपकार गुरुमा का ही है जो मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। बस फिर गुरुमा के पास फिर जाना हुआ, रहना हुआ। फिर पता है एक सबकी प्रॉब्लम, हर 1 2 3 जितने भी बैठे हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम है। साहब के पास जाए लोग जज कर लेते हैं, 10 दिन भी रहने जाए तो लोग आते दीक्षा ले बासी हो को फिर अभी हो पाए। ये डायलॉग्स मैंने भी बहुत सुने हैं, सबने ऐसा ही बोला। बट मम्मी का इतना सपोर्ट था कि कभी मुझे कोई भी चीज करने रोका नहीं। पापा थोड़ा चिल्लाते थे बट कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बात नहीं सुनाया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, जब मुझे भाव आ गए थे बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। जब हम गए गिरनार जी नेमिनाथ दादा के चरणों में, पता है मुझे नेमिनाथ दादा से कनेक्शन भी कैसे हुआ, बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं तो नेमिनाथ तो गिरनार ही रहती है, वो कनेक्शन कैसे हुआ बोलूं। लॉकडाउन में हमारे मुंबई में नीम जी का परिवार है, वो भक्ति बहुत अरेंज करते नेमिनाथ दादा की। मैं सिर्फ ऐसे फ्लक्चुएटली मैं वो भक्ति में गई, पता नहीं फर्स्ट टाइम गई रोने लगी, क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता, बस नेमिनाथ दादा नेमिनाथ दादा नेमिनाथ दादा की धुन लग गई। और बस एक साल के बाद ठीक मैं गुरुमा के साथ ही गिरनार जी गई एज अ मुमुक्षु। तब लॉकडाउन था तो किसी को पूजा प्रदक्षिणा ये सब अलाउ नहीं थी, तो मैंने तो दादा को बोल दिया कि मुझे अभी लेनी तो दीक्षा ही है, मुझे नेम की राजू ही बनना है, बस अभी आप मुझे कोई संकेत दे ही दो। तो लॉकडाउन में जो प्रदक्षिणा पूजा कुछ भी अलाउ नहीं थे, तब मैंने बोला दादा अगर मुझे आपकी प्रदक्षिणा मिल जाए, ये 3 प्रदक्षिणा में इतनी ताकत है कि मेरे भवों भव की प्रदक्षिणा रोक देगी, बस दादा आपको कैसे भी 3 प्रदक्षिणा तो दिलवानी ही है। मैंने पेड़ी में जाके पूछा, उन्होंने बोला नहीं बहन नहीं होगा। मैं गई दादा के पास, बोला दादा ये क्या, मैं इतना छोड़ छाड़ के आपके पास आई हूँ, आप सिर्फ मुझे 3 प्रदक्षिणा नहीं दे सकते, मैं मेरे घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूँ बट आप मुझे श्रद्धा का एक जोत भी नहीं दे सकते। वापिस गए ऑफिस में, गई हितेश भाई को बोला, आंखों में आंसू थे, भैया मेरे लाइफ का सवाल है कि आप मुझे प्रदक्षिणा देने दे सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है दे दो। बस वो प्रदक्षिणा ने मेरे भवों भव की प्रदक्षिणा को स्टॉप कर दिया।
सर आजकल जितने भी सरनेम हो सबसे बेस्ट सरनेम सबसे रॉयल सरनेम कौन सा है? कौन है? क्यों? बट है राइट। जेन किधर भी जाए ना, भले रेस्टोरेंट हो, पब्स हो, किधर भी जाए, अरे जेन आ गया, भले ही खुद का कोई स्टैंडर्ड हो के नहीं हो, जेन सरनेम मिल गया तो बस आप छा गए, आपको किधर भी एंट्री पहले मिल जाएगी। तो आपने कुछ किया है जो आपको सरनेम मिला है? आपने कुछ ऐसा पुण्य ऐसा कुछ काम किया है जिससे आप इसके इतने लायक हो, रॉयलिटी के लायक हो? ऐसा कुछ किया है किसी ने यहाँ पे? किया नहीं राइट। तो ये किसके वजह से है? महावीर स्वामी के पुण्य के वजह से ही है। उन्होंने ही जिन शासन की स्थापना की है, हमको जैन सरनेम मिला है, इसके लिए आज हम हर जगह प्रायोरिटीज में आते हैं। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि नहीं हो चलेगा, बट बस जो जैन सरनेम मिला है ना उसकी रिस्पेक्ट रखना, उसकी रिस्पेक्ट रखना। यंगस्टर्स में एक लविंग जाना, वाइब करना, एक वाइब आती है राइट। माथारी क्लब चले गए, बॉम्बे कार्टर चले गए, एक वाइब आती है। और मरीन ड्राइव पे वो क्या होता है, संडे स्ट्रीट्स, उसमें हर गर्ल्स को वाइब आती है। बट मैं कहती हूँ एक बार जो अभी भाईंदर में शासन संध्या हुई थी वहाँ पे जाओ, वो एक अलग वाइब होगी। जिन शासन पे नाचो वो एक अलग वाइब होगी। लोग आजकल सीए बनने में बिजी है, बिजनेसमैन बनने में बिजी है, बट क्या आपको कौन जानेंगे? इंस्टाग्राम में आपके हजार फॉलोअर्स हैं, बट रियलिटी में कितने? स्नैपचैट में इतनी स्ट्रिक्स मेंटेन करते हो, रियलिटी में रिलेशंस कितने हैं? अरे करना है तो ऐसा कुछ करो कि लोग आपके फैन बन जाए। हितेश भाई को सब जानते हो यहाँ पे? कौन है वो? कौन है? राइट, हितेश भाई गिरनारी, वो भी अपने जैसे ही है, वो भी अपने जैसे ही है। उन्होंने बस गिरनार को बच के अपने एक वाइफ बदल दी। कुमार पाल भाई विशा, उनको भी आप जानते ही होंगे, वो भी अपने में से ही है। उन्होंने जिन शासन का नाम रोशन करके अपनी वाइफ बदल दी। और यहाँ पे धनजी अंकल भी है जो अपने साथ रहकर उन्होंने उसका जीवन बदल दिया। सीरियसली आज जितना धनजी अंकल निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा कोई इतना निस्वार्थ हो सकता है। ठीक है, मुझे भाव आ गए, देव गुरु की अनंत अनंत कृपा से मेरी दीक्षा भी हो रही है, बट जो जिसमें मुझे राग है कल मैं उसका एक्सेप्टेंस कर लूंगी, बट जो मेरे माता पिता है जिनको मेरे पर राग है, जिन्होंने अपने राग को त्याग किया है, उनको त्याग को वंदन है, उनके त्याग को वंदन है। लोग बोलते हैं ओनली सिंगल डॉटर हो तो दीक्षा देना टफ है, इतनी सारी है तो कोई नहीं दे दे। पर मैं आपको पूछना चाहूंगी, हाथ में 5 उंगलियां है, एक उंगली भी काम नहीं करे तो अब आपका हाथ काम करेगा प्रॉपरली? आपका हाथ प्रॉपरली काम करेगा? वैसे हर माता पिता के लिए कितनी भी संतान हो बट एक का भी त्याग करना उनके लिए उतना ही मुश्किल है। मुझे सब बोलते हैं कि तू तो अपनी 9 की है, मम्मी पापा छोड़े ही तू, तने याद नहीं आने लग गया, का करीला। तो सबके लिए मेरे पास एक आंसर है। एक स्कूल थी, एक अंकल ने सब बच्चों को बलून्स दे दिए, ठीक है। तो हवा का एक तेज झोंका आया, सारे बच्चों के हाथ से बलून्स उड़ गए। ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, सब रोने लग गए। सिर्फ एक ही लड़की उनमें खुश थी। तो वो जो जिन्होंने दिया बलून, उन्होंने शॉक हो गए। उन्होंने उस बेटी को पूछा कि बेटा सारे बच्चे रो रहे हैं, तू क्यों हंस रही है, तेरा भी तो बलून उड़ा है ना। तो उसने बोला, अंकल ये बलून पहले मेरे हाथ में था तो मेरा था, अभी ये हवा में उड़ गया है तो पूरे आसमान का हो गया है। वैसे आज तक कल सुबह 6 बजे तक मैं मेरे माता पिता की ही हूँ, बट कल जब ही
मैं आप सभी के संग ही हो जाऊंगी, मैं आप सभी के संग ही हो जाऊंगी। और तब ऐसे सब मुझे बोलते हैं कि तू बहुत पुण्यशाली है, तेरी दीक्षा मुंबई में पहली बार हो रही है, आचार्य महाराज स्वयं तुझे दीक्षा देने आ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि देव गुरु की अनंत अनंत कृपा से आज ये दीक्षा होना भी पॉसिबल है, क्योंकि जीरो से हीरो बनाना, इमैच्योर से मैच्योर बनाना, एक न्यू कैरेक्टर को बिल्ड करना, वो एक साधारण इंसान, एक गुरु की ही कृपा है, एक गुरु की ही कृपा है। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, इतनी गर्मी में भी आप इतने सारे शांति बनाए रखिए हैं, और बाकी लोग पीछे खड़े भी हैं, आप सबकी दिल से अनुमोदना। बस 4 महीने पहले मेरा मुहूर्त निकला था, 4 महीने तक तो मैं आप सबके लिए सेलिब्रिटी बन गई थी, जिसके घर भी जाए पधारो पधारो पधारो। बस सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए कवर्स के रूप में, बट ये तो सब मैं छोड़ के ही जा रही हूँ। बस मैं आज आप सबसे एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ, सब आँख बंद करें और सब आपके हाथ ऐसे दो रख दें मेरे को जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, सब जन जितने भी जन है सब जन, जैसे अपनी बच्ची को अपन कैसे आशीर्वाद देते वैसे सब, ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा संयम जीवन में नहीं चाहती इजी हो, मैं चाहती हूँ वो कठिन हो, कष्टों से भरा हुआ हो, प्रतिकूलता आए, बट उसमें भी आपके ये सब आशीर्वाद होंगे ना, वो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देंगे। बस सबसे रिक्वेस्ट है सब आपके हाथ ऊपर करें, सब जन, बस आप सबसे प्रार्थना है आप हाथ ऐसे ऊपर रखो, और आप सबसे प्रार्थना है कि बस कल महावीर स्वामी का मुझे पंचम पद मिलने वाला है। आजकल लोग सीए में 5th रैंक ला रहे हैं फुल इंडिया में, कितने प्राउड होता है, कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का टर्नओवर कर दे कितना खुश होता है। अरे वो तो छोड़ो, कल तो मुझे पूरे 14 राजलोक में पंचम पद मिलने वाला है, 14 लोग के समस्त जीव जो पथ पर मैं जा रही हूँ उस पथ को वंदन करेंगे नमो लोए सब साहुना के रूप में उठते समय सोते समय। बस आप सबसे यही विनती, सब आपके हाथ ऊपर कर दो सब, और बस मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि श्री राजेंद्र जैसा सत्व, सूरी राजेंद्र जैसा सत्व, सूरी धनचंद्र जैसी सौम्यता, सूरी धनचंद्र जैसी सौम्यता, सूरी भूपेंद्र जैसी सरलता, सूरी भूपेंद्र जैसी सरलता, सूरी यतीन्द्र जैसी सिंह गर्जना, सूरी यतीन्द्र जैसी सिंह गर्जना, सूरी विद्याचंद जैसी विद्या, सूरी विद्याचंद्र जैसी विद्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री जानन जैसा, श्री जानन जैसा, श्री जानन की मैं नंद बनूं, मणि प्रभा की मणि बनूं और मोक्ष सुख की धनी बनूं, सप्लू फर्शे अरे काय सयमज मर्शे, सप्लू फर्शे हवे काले रजो हरण मली चशे। बस कल जब मुझे रजो हरण मिलेगा ना
मेरी सारी दीन दक्षाएं हो जाएगी और मुझे वो महावीर स्वामी का धवल वेश मिलेगा। वो वेश में पता चार क्वालिटीज है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, चार क्वालिटीज। हम यहाँ पे हम सबको क्रोध आता है तो क्या उची करते हैं स्लीव्स? वो वेश में कोई स्लीव है क्या? तो क्रोध आने का कोई चांस ही नहीं। सेकेंड मान, हमारी कोई तारीफ करते तो क्या कॉलर ऊपर? वो वेश में कोई कॉलर है क्या? तो मान आने के कोई। थर्ड माया, यहाँ पे जितने लोग भी है सबने रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, बस ससू के सामने कुछ और, पति के सामने कुछ और उपास्य में कुछ और। बस मात्र वो ही वेश एक ऐसा धवल है जो माया नहीं करता, एक ही रंग में रहता है। अपने को लोप करना हो, कुछ भी चीज छुपानी हो, क्या यूज करते हैं? पॉकेट्स। वो मात्र एक ऐसा ही वेश है जिसमें कोई पॉकेट ही नहीं है। क्रोध मान माया लोप कोई वो वेश में ही नहीं है, तो सोचो वो वेश कैसा होगा, वो जीवन कैसा होगा। बस कल सुबह 6 बजे मेरा यहाँ पे रंग मंडप में प्रवेश है। बस ऐसे आशीर्वाद आप देना कि वो मेरा लास्ट प्रवेश हो, संसार रूपी भव जंगल में लास्ट प्रवेश हो। बस कल मैं सब, कल मुझे जब रजोहरण मिले ना, सब इतनी गर्मी भी होगी, आप प्लीज कोई बातें मत करना। आपको करना हो तो मात्र एक नवकार मंत्र का जाप करना बस। और जब मुझे रजोहरण मिले ना तो ऐसी प्रार्थना करना कि बस सम्यक्त्व की तो स्पर्शना हो ही जाए, बस अनंत भव कर लिए। कल स्वयं निमिनाथ दादा आ रहे हैं, निमिनाथ दादा निन्नार से कल आ रहे हैं। मेरी नाम में भी निमिनाथ दादा है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अपने साउथ मुंबई में इतनी दीक्षा हुई है बट किसी की नाम का गारंटी निमिनाथ दादा नहीं आया है। बस अभी दादा ने चूज कर ही लिया है, कल दादा स्वयं मुझे रजोहरण देने पधार रहे हैं आचार्य महासाहब के रूप में। और गुरु मैया मुझे भव सागर से तराने अपनी शिष्या के रूप में मुझे बनाने आ रहे हैं। आप सकल संघ से विनती है कि आप कल पधारना और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना। साइड 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 साइड
साइड साइड साइड साइड साइड Dixie, 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 Dixie